हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आवार एकटा चले एसेछि नतून ब्लग निये। तो एइबारे जे ब्लगटा आछे एटा कोनो धार्मिक जायगा नय, एटा होच्छे इतिहास जार साथे जुक्त सेई जायगा। तो चलेन बेशि कथा बोलबो ना, सोजा गिये जायगाटा देखि केमन। तो चलेन लेट्स गो, आमार साथे जायगाटा दर्शन करुन, घुरे आसुन। दारुण जायगा, घोरार मतन, खूबई सुंदर जायगा। चलेन घुरे आसि। 28 साल की उम्र, लेकिन भगवान ने उनको औलाद नहीं दी। चिंता होने लगी, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, वो कौन संभालेगा। उनके दरबार में उनके जो 9 मंत्री, नवरत्न, 5 मुस्लिम, 4 हिंदू, अकबर की कैबिनेट, उनकी सलाह पर बादशाह अकबर हर जगह से निराश होकर के आखिर में नंगे पैर और पैदल आगरा से यहाँ आते हैं। और जब सेकंड पार्ट आप जाएंगे ना, तो वहाँ पीर बाबा हजरत शेख सलीम चिश्ती का दरबार है। वो बहुत बड़े संत हैं अपने समय के। बाबा के पास पहुँचते हैं, उनसे दुआएं करते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं। पीर बाबा हजरत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से, यहीं फतेहपुर सीकरी में 1 साल में जोधा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा था। लेकिन 1605 में जब अकबर की डेथ के बाद गद्दी पर बैठा, तो जहांगीर के नाम से, क्योंकि कुछ समय रहे थे बादशाह और बाबा का आदेश भी हुआ, तो पूरी राजधानी आगरा से यहाँ ट्रांसफर कर ली। और 12 साल में, यानी 1570 से 1582 के बीच में, सीकरी और फतेहपुर दोनों किला बनवा के तैयार किया। और 1586, यानी 4 साल और यहाँ पर रहा। 1586 में पीने का पानी बिल्कुल फतेहपुर सीकरी में ख़त्म हो गया। ये वो रीज़न था कि बादशाह को ये जगह छोड़नी पड़ी और फिर से जो है आगरा जाना। जो हम सबसे पहले हम जहाँ खड़े हुए, ये सीकरी वाला किला है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जोधा बाई का। देखिए, जोधा बाई अकबर की हिंदू रानी थी, महारानी थी, सबसे बड़ी रानी यही थी। दोनों रानी वहाँ रहती थी, तो महल भी सबसे बड़ा उन्हीं का है। फतेहपुर सीकरी जितना बड़ा महल जोधा का है, उतना किसी का भी नहीं है। तो पहले जोधा बाई का महल देखेंगे, उसके बाद हम उसकी रसोई भी देखेंगे। जोधाबाईर महल, जोधाबाईर महल। जोधा भाईर महले এখন আমরা প্রবেশ। जोधा भाईर महल, চলো। जोधा भाईर बाड़ी, আমরা এখন আছি जोधा भाईर বাড়িতে। जोधा भाईर বাড়িটা বিশাল বড় বাড়ি, বিশাল বড়। जोधा भाईर বাড়ি, আকবরের সব থেকে প্রিয় স্ত্রী जोधा भाई, তার বাড়ি। तालियां बजाता था और दासी उनके पास पहुंचाता था दौड़ करके। लेकिन जो जाली देख रही है आपको अंदर, ऐसा ही जाली चादर बना हुआ है, ठंडी हवा उधर से आता। लेकिन जैसे ही सर्दी आई, जोधा भाई इधर आ जाता ऊपर। आप
সর্দির সময় এদিকে থাকতো, ঠান্ডার সময়, আর যখন গরম পড়তো তখন এদিকে থাকতো। ঠান্ডা মহল থাকে গরম মহল यहाँ तुलसी का पौधा होता था, इसमें जोधाबाई पानी देता था हर सुबह। अभी तुलसी लगता नहीं तो सरकार ने फिर गुड़हल लगा दिया। ओ अच्छा, ये कमरे देख रहे हैं आप लोग, दीदी के लोग धार्मिक जी, ये कमरे जो देख रहे हैं ना, ये सारे कमरे वो नौकरानियों की दीदी जो उनकी सेवा में लगी हुई थी। एक मर्द के रूप में यहाँ पर केवल बादशाह अकबर अलाउड, कोई दूसरा मर्द नहीं। तो जोधा की सुरक्षा कौन करता? ये देखो चारों तरफ बुर्ज बने हुए हैं, इनमें चारों तरफ बहुत ही खतरनाक किन्नर रहता था। इतना खतरनाक था, किसी मर्द ने अगर बादशाह के अलावा यहाँ आने का प्रयास किया तो वो लोग उसकी आंखें निकाल लिया करते थे। जी दीदी, एक मंदिर बनवाया था बादशाह जोधाबाई के लिए, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आप उधर से आके पत्र छवि निकाल लीजिएगा। जोधाबाई जो मंदिर टा छिलो, जो मंदिर टा पूजो करतो, से मंदिर एटा जोधाबाई जो मंदिर যোধাবাইয়ের মন্দির। भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी मूर्ति जोधाबाई अपने सब आमेर से लेकर आए थे, अपनी माँ के यहाँ से वो मूर्ति यहाँ पर रखा हुआ है। ओ अच्छा, ये जगह घी घी को पाकर रखने के था, इसी जगह प्लेटफॉर्म पर बैठ के जोधा पूजा करता था। बढ़िया ताली वगैरह चलते थे समय। अगर अकबर अपने महल में होते तो हर सुबह आते, अपने जूते बाहर उतारते और वो भी इस पूजा में भाग लिया करते। बताइए आपको, देखिए मंदिर में घंटियां होती है, त्रिशूल शिव जी का त्रिशूल बना हुआ है। आप देखिए तिरुपति बालाजी, देखिए तिरुपति बालाजी का बाबा का तिलक, देखिए तिरुपति बालाजी की छवि। तो ये बॉक्स है ना आला, इनमें भी मूर्तियां थी जहाँ जोधा पूजा किया करता। देखिए बादशाह मुस्लिम था, जोधा हिंदू, लेकिन पूरा छूट में रखा था उनको, भजन कीर्तन पूजा सब करता था और खुद अकबर आकर के प्रोत्साहित करता था उनको। यही एक कारण है कि अकबर को जब भी आप अकबर का नाम लेते तो अकबर महान कहते हैं। अकबर बहुत धार्मिक आदमी था, बहुत धार्मिक मानने वाला, बहुत बहुत अकबर बहुत धर्मी। और पीर बाबा हजरत से सन चिश्ती का बड़ा प्रभाव था। पहले वो उनका स्वास्थ्य बड़ा कठिन था, हार्ड था, लेकिन जब से वो बाबा के संपर्क में आए। এবার আমরা যাব হচ্ছে গিয়ে যোধাবাইয়ের যে রান্নাঘরটা যেটা ছিল, যেখানে উনি রান্না করতো, সেই রান্নাঘরটা আপনাদেরকে এবার আমরা দেখাবো। ঠিক আছে, আসেন আমার সাথে, সেই রান্নাঘরের দিকে যাই। যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে যোধাবাইয়ের রান্নাঘর, এখানে উনি রান্না করতো, এইখানে থেকে উনি সব রান্নাবান্না করতে। যে এই যে পেছনে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে ওনার রান্নাঘর, আসেন। এইখানে উনি রান্না করত, এটা হচ্ছে ওনার রান্নাঘর, এটা ওনার রান্নাঘর। ये झुमका देखो, झुमका ये राजस्थानी झुमका का डिजाइन है, उस कोने तक ये 156 है और सब एक दूसरे से अलग है। आप देखिए हर एक में कहीं ना कहीं अंतर जरूर होगा, एक जैसा डिजाइन कोई भी नहीं है। नहीं, अलग अलग है जी। उस समय फोटो फ्रेम नहीं था, तो जो डिजाइन जोधा ने पसंद कर लिया, एक जौहरी आगरा कहता था और 7 दिन के अंदर वो डिजाइन। सामने देख रहे हैं आप, देखिए वो सामने जो बना हुआ है, ताला जो लगा हुआ है, वो डाइनिंग हॉल था, उसे जुड़ा हुआ है नॉन वेज किचन, मांसाहारी किचन। 98% लोग यहाँ पर मांस खाने वाला था, यहाँ पकता था और वहाँ पहुँचता था। ये वो सीढ़ी देख रहे हैं आप, सीढ़ियाँ, जिस रानी को, जिस दासी को अकबर अपने बेडरूम में बुलाता था ना, वो खुले में नहीं आती थी, इन पर चढ़ती थी। और ये कॉरिडोर था, कॉरिडोर सीधा बादशाह के बेडरूम में जाके खुला है। अब आइएगा,
এটা দিয়ে উঠতে দেবে এটা হচ্ছে রান্না ঘর মানে এখানে এখানে সব রান্না হতো যে রান্নাটা হতো যোদা ভাই রান্না করছে ভগবান কে দেখা হ্যাঁ রান্না বন্না করা আছে তো গিয়ে বসো এক্ষুনি হয়ে যাবে রান্না বন্না এবারে আকবরের যে বেডরুম ছিল আকবরের যে বেডরুমটা আছে সেই বেডরুমে আমরা যাব এই হচ্ছে তার সেই বেডরুমের গেট এটা আপনারা আসেন আমাদের নিয়ে যাচ্ছি সেই বেডরুমের গেট अकबर का हाइट केवल 5'3" मालूम है आपके बराबर था दीदी 5'3" का आपका तो 5'4" है आप आपसे भी छोटा था लेकिन उनका जितना भी सिपे सर था ना दादा वो सब 6'6" बादशाह ने कभी किसी ने नहीं कहा मुझे झुक के सलाम करें लेकिन थे तो बादशाह बस ये एंट्रेंस गेट ऑफ बेडरूम यही चालाकी कर ले खुद तो आराम से लेकर जाते थे और जो भी आता था वो जमीन पर 4 सेंटीमीटर जॉल वो लोग रोज ड्रॉप करते दो रीजन थे एक तो जॉल से ठंडक रहता था यहाँ पर दूसरा चाटो हाई सिक्योरिटी था पहनता भी पर नहीं मर सकता लेकिन नजर बचाते कोई अंदर आ भी जाए तो पानी में छप 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 को बाद यार भाषा रखते इधर आइए ये खिड़की ये वही खिड़की जो बंद है अभी इतना ये पहले 20 साल खुली हुई थी ये नालियों के आने जाने का रास्ता मेरे बापू उस जगह दिखाई थी ना सीढ़िया जिस नानी को जिस दासी को बादशाह बुलाते उन्हीं सीढ़ियों में चढ़ती थी वो कॉर्नर जो था वो सीधा यहीं से खुला अच्छा ये अभी लोहे की है पहले लकड़ी की थी बाहर बहुत अच्छा होती थी जिसको बैठ देखना है वो ऊपर चढ़ के बैठ के दे सकते हैं এটা হচ্ছে আকবরের বিছানা যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে আকবরের বিছানা আকবর এখানে শুতো আকবরের বিছানা এটা হচ্ছে ওনার এন্ট্রেন্স এখান থেকে সবাই আসতো আর যখন কোনো দাসীকে উনি ডাকতো কোনো রানীকে যখন উনি ডাকতো তখন উনি এখান থেকে আসতো এখানে জানলাটা বন্ধ করা এখান থেকে উনি তখন আসতো এখান থেকে এই সিঁড়ি থেকে আসতো হয়েছে দেখো তো আকবর শুয়ে আছে নাকি দেখো মনে হচ্ছে শুয়ে আছে বোধহয় আকবর আচ্ছা আকবর আর পিছনে উপরটা এটা Wow. দাদা আরে বাবা তুমি গেলেন কোথায় तानसेन नहीं था ना, नाम था राम तनु पांडे हाँ। और वो ग्वालियर से यहाँ आए थे जब यहाँ आए ना तो अकबर ने उनको तानसेन का खिताब दिया था जिसका मतलब होता तानों का शहंशाह और वो इसी चबूतरे पर थे जिसका नाम था अनूप तालाब और अकबर के लिए संगीत जाते था जो गंदा पानी आप देख रहे हैं गंदा जल उसमें शीशे जैसा पानी उसमें वो लोग गुलाब जल मिक्स करते थे जिससे चारों तरफ खुशबू रहती थी और देखिए अकबर बैठते थे वहां पर ये बना हुआ सिंहासन था ऊपर वहाँ ऊपर बादशाह ऊपर सारी लेडीज और नीचे सारे जेंट्स और यहाँ से तानसेन के उस मधुर संगीत का मजा लेते थे कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि जब तानसेन राग मल्हार गाते थे तो बारिश और जब राग दीपक गाते थे तो बुझा हुआ दीपक जला दिया जला दिया
এটা আমরা জানি এখানে সে তানসেন এখানে বসে উনি গান করতো এই জায়গাটা সে তানসেন বসে গান করা এখানে রাজা বসে থাকতো এখানে রাজা বসে থাকতো আর তার যত প্রজাগণরা আছে তারা এদিকটা করে বসে থাকতো চলে আসো আসো চলে আসো এদিকে আসো জানার ব্যাপার আছে আসো ও पांच मंजिल की इमारत इसका नाम पंचमहल है पंचमहल मीन्स पांच पहली विशेषता देखिए आप कहीं भी दीवार नहीं है नहीं 176 खंभे लगा हुआ है 84 56 20 12 और 4 आकार देखिए तो पता रथ रथ क्या आकार बनाया गया गर्मी के दिनों में ऊपर जाता था ऊपर हवा लेने के लिए तीनों बाकी बचे हां अभी अलाउ नहीं है लेकिन जब मैं इनके बराबर था तब अलाउ था यहाँ से 3 गुनी ठंडी हवा ऊपर पहुँचती है इसलिए अकबर इस जगह को हवा महल भी कहते थे हाँ महल अच्छा आपको पता हो अकबर पढ़ा लिखा नहीं था ना नहीं अंगूठा छाप लेकिन जितना भी औरत उनके महल में था चाहे वो उनकी लेडीज दासी हो रानी हो माँ हो उनके लिए उन्होंने स्कूल बनवाया था हम यहाँ से निकल के आए ना पिलर से और ये पूरा और जो ऊपर देख रहे हैं बना हुआ है स्कूल था लेडीज के लिए ये स्कूल चलो तो उनका समय था स्कूल वो देख रहे हैं दीदी वो देख रहे हैं आले ऊपर देखिए आले बने हुए हैं उधर वहाँ ऊपर देखिए उधर बॉक्स बने हुए हैं वो लाइब्रेरी थी जहाँ पर अरबी फारसी और तुर्की भाषा की किताबें थी जो भी लेडीज चाहे पढ़ सकती थी जेंट्स को अलाउ नहीं था अच्छा दीदी इधर आइए आप लोगों ने गेम सुना है पाशा आप क्या पाशा खेलते हैं देखिए अकबर बादशाह का पाशा दिखाऊंगा ये जो पाशा गेम में जाएगा ये क्रॉस देख रहे हैं आप ये गोटियों के लिए थे गोटियां नहीं थी रंगीन कपड़ा पहन के यहाँ पर दासियां खड़ी की जाती थी और बादशाह रानी या पाशा लेके खड़े होते थे वहां से दासियां यहाँ पर जैसे बादशाह ने पाशा फेंका और दो आ गया उन्होंने दासी से कहा दो कदम आगे जाओ डांस करते हुए आगे आई दासी यहाँ पर पहले ही गोटी की जो आउट हो गई आप लूडो खेलते हो उसी तरह खेलते थे जिस रानी ने जिस दासी ने बादशाह को हरा दिया वो दिन उसका कुछ भी मांगिए अकबर आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं अब आप यहाँ पर चौबी निकाल सकते हैं और उनका जो और एक अरब वाला जो महल है ना वहाँ पर भी तो मतलब एक क्या है वो हरिजार जरा हमारे विधानसभा जरा मीटिंग बसे এটা হচ্ছে আকবরের সেই মিটিং বসার জায়গা এখানে সব উনি তাদের প্রজাগণদের নিয়ে এখানে মিটিং করত এখানেও নিয়ে যাওয়া হবে এই জায়গাটাতে দিওয়ানে আমতা যাহা পর বাসার ন্যায় কিয়া করতে থে লোকো কি ফরিয়াদ সুনতে থে ওহ আচ্ছা বো কোর্ট জ্যাসা হল যহীন বেঠ করকে ইধার সুনতে ইধার আ যায় দাদা ইধার আ চাইনি यहां भी टिकट का होता है तो जिस तरीके से वापस यहां से फ्लाइट में निकल जाए हां आइए चलिए ये ब्लॉक टाइम में खाली वहाँ बादशाह बैठा करते थे जाली जो बनी हुई है ना यहाँ बादशाह वो सामने जाली यही तो तुम्हारे डान दिखे वो सामने सामने इखाने बोस्तो अरे जोधा अकबर देखे नहीं उखानता है शूटिंग का और यही से सुन के अकबर निर्णय करते थे लेकिन जैसे देखा तुमने आज आपने देखा फांसी से होती है मौत के रूप में तो वहाँ उस समय फांसी नहीं था एक वो देखा स्टोन का रिंग बना हुआ है वहाँ एक हाथी बनते थे हवाई अपराधी को वो हाथी जो था अपना पैर रख करके सर को कुचल करके उसको फांसी दिया करता था वो सामने स्टोर का नहीं बना हुआ ये जे एक घंटा हाथीटा था तो हां हाथी होता भाई जी हाँ। ये दीवानियाम जी दीवानियाम यहां बैठ के जमीन पर बैठती थी प्रजा और अपने मुकदमे को यहीं से सुनता था पूरा अच्छा ये तो दीवानी खास नहीं नहीं वो दीवानी खास अंदर आइए देखा अच्छा ये वो क्या है भाई वो सब दीवाने आम है वहाँ प्रजा की बैठने की जगह यानी सब पुजारा बोस्तो हां सबके बैठने की जगह पुजारा बोस्तो और अकबर ओखंडे बोस्तो ये जगह ओ এটা পুরো দিওয়ানি আম তাই তো দিওয়ানি ওখানটায় বসতো ये भी दीवानी आम हां এটা পুরো দিওয়ানি আম अकबर ওখানটায় বসতো মানা pero hoy en día hay mucha niebla en ambiente
no se puede hacer buena cosa. এখানে সব মিটিং করতে বসে বসে তাদের প্রজাদের যত ছিল তাদেরকে নিয়ে এখানে মিটিং और ये दीवाने खास यानी खास जैसा कि नाम से लग रहा है खास लोगों के लिए बना हुआ था। हाँ, खास हाँ। बीच में देखिए कमल के फूल जैसा खिला हुआ है गोल 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 जो बना हुआ है ऊपर जाके बिल्कुल मिडिल में बादशाह बैठा है। अच्छा। ऊपर जाने का रास्ता देखिए बंद किया हुआ है। हाँ, हाँ। और जो गैलरी बना गैलरी इन गैलरी में बैठा था उनके नौ मंत्री जिसका नाम था नवरत्न नवरत्न वो यहाँ बैठते थे और जितनी भी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी वो यही होती थी। अच्छा। लेकिन थर्सडे यानी गुरुवार वाले दिन बादशाह फिर बीच में बैठा था लेकिन थर्सडे को गैलरियों में वो नौ मंत्री नहीं बल्कि हर धर्म का एक एक विद्वान। अच्छा। जो धर्म उसमें चल रहे थे हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध पार्शियन और कैथोलिक वो विद्वान यहाँ बैठे थे और अकबर उनसे जानने का प्रयत्न करते थे कि आपके धर्म में अच्छा क्या है आपके धर्म में बुरा क्या है। सारे धर्मों की अच्छाई इकट्ठा करके फरवरी 1582 को इसी जगह पर बादशाह ने एक नया धर्म शुरू किया था दीन इलाही उसका जन्म स्थान यहाँ पर है इसलिए इस जगह को इबादत खरानी कहते हैं। ये पिलर देख रहे हैं आप इस पिलर में उन छह धर्मों की निशानियां अकबर ने छोड़ी हैं जिनके बारे में पहले अभी आपको बताया था और वो निशानियां आज भी मौजूद हैं। अभी आपने अगर जैन मंदिर देखा हो तो डिजाइन आपको दिखाई देगी लिखे थे दीवानी खास ये जैन मंदिर थोड़ा आगे आइए। अच्छा दीवानी खास ये पार्शियन ईरानी ये चर्च का गेट देखिए कैथोलिक लोटस फ्लावर हिंदू बौद्धों के क्राउन और इस्लाम का बर्तन सुराही। अच्छा। तो छह निशानियां उन धर्मों की जो उस समय चल रहे थे जो बताते हैं कि अकबर हर धर्म को आदर से और सम्मान से देखते थे। अब आप अपना दीवानी खास जने अकबर मचकंडे बोलते दीवानी खास तो ये कौन सी है ये वाला खजाना अच्छा ये खजाना वाला जगह है। चलो देखो एखाने सब खजाना रेखा दी तो जत खजाना सम्पत्ति सब एखाने रखा होत वाहन सब खजाना सब रेखा दी तो अच्छा बाकी माल सब यही पर रहते थे। चलो भाई तो इंग्रेज ने इसी को लूट के चला गया यही तो है असली जगह होल करे रखो सब प्राइवेट जाएगा ओटा सपोर्ट करे मैं बादशाह का कोई नौकर हूँ खजाने में सोना लेके आया वहाँ लिखवाया कितना है बाहर उसके बाद इस पत्थर को डाला ऐसे इस पत्थर को ऐसे डाला यहाँ पर वो सोना चांदी डाल दिया पूरा देखता बातचीत ना और देखता 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 फिर से ऐसे वापस बंद कर दिया और चार तरफ गैलरी में होती थी सुरक्षा हाई सिक्योरिटी परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अब नाम था टोडरमल टोडरमल मंत्री अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर और अकबर तो यहाँ पर अलाउ था बाकी कोई नहीं अर्बन मिनिस्टर वो अर्बन मिनिस्टर जो मंत्री थे अकबर वो कहाँ बैठे थे जितना आपको निकालना है जैसे आपको मानो किसी को देना है आपको 100 रुपए देना है तो आप उसको बस ऐसे निकाल के जाइए काउंट कर दिया कितना है बस खाली वो निकाल के जाएगा उसमें जाली होती थी दिनारा होती थी दिनारा इसे दिनारा निकालते थे दिनार दिनार
दिनार दिनार बैठते थे यहाँ टोटल बार यही बैठते थे सारा लेखा जोखा यही से रखते थे। शादियां होती है शादियां उसमें मंडप बनाते हैं वही मंडप है। आप देखा दीदी गौर से हाथी देख रहे हैं हाथी हाथी के मुंह में अजगर सांप को दिखाई जैन धर्म की सबसे कठिन कला है ये पितृ द्वार जो आप इसमें बना हुआ देख रहे हैं। और देखिए कलाकारी क्या है कि ये बस इतना इतना देख रहे हैं इतना ये अंदर है बाकी पूरा पेस्ट है बाकी पूरा पेस्ट है और 450 साल से ऐसे देखिए बस इतना ही अंदर है दीदी बस यहाँ पर ये पूरा पेस्ट है और 450 साल से ऐसा है वैसा ही ये वाला किसका महल था तुर्की सुल्ताना उड़की सुल्ताना उगिया बेगम ये रुकिया बेगम का था तुर्की सुल्ताना वो आगरा रहती थी कभी कभी आती थी हाँ। तो एक शीश में बनाया था बादशाह ने कांच के फ्रेम बने हुए इन सारे फ्रेम होते थे कांच अच्छा और उनके साइड में होते थे डायमंड छोटे छोटे रिफ्लेक्शन था मिडिल में अगर खड़े तो हर बॉक्स में आपका ही पिक्चर नजर आएगा। देखिए आपको पक्षियों के सर कटे हुए नजर आ रहे होंगे पक्षियों के सर कटे हुए हैं देखिए सबके ये सब प्रिंसेस स्टोन के बने हुए थे कीमती पत्थरों के दीदी। अच्छा। तो जब मुगल वंश के जब गरीब होने लगे ना उनके जो आगने वाले थे तो वो अपना खर्च चलाने के लिए निकाल के ले गए थे। अच्छा। आप देखिए इसमें बहुत सारा जिगजैग बना हुआ है ये देखेंगे आप इधर देखिए ऐसा ही एक कलाकृति है चार बना हुआ है जो बहुत सुंदर अद्भुत दिखता है छोटा जरूर है लेकिन बहुत शानदार इसको बनाता है। एक लेडीज अभी बताया आपको 2 महीने पहले दादा बाबा जी ना जी बोलती अभी 2 महीने पहले ट्रेजडी हुई है यहाँ पर और कहते हैं दीदी कि जो डेथ हुई थी ना रात को यहाँ पर उसके घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। जाके मेरे के पास आवा जाके उन्हें ठीक हुआ अच्छा रजिया सुल्तानार घर है रजिया सुल्ताना रजिया सुल्तानार घर अच्छा रजिया सुल्तानार घर है गार्डन टा कत सुंदर देखे जा दारुण जाए बेडरूम का पीछे का हिस्सा था ना यहाँ से यहाँ सोचा कहीं नहीं थी बेडरूम के पीछे का हिस्सा था बादशाह की था हेड ऑफिस सिक्योरिटी वालों का यही बहुत भारी सोचा होती थी इस जगह पर इससे यहाँ सुरक्षा फसल की जगह कहीं नहीं थी सबसे सुरक्षा यही होती थी। हाँ तो जो तो फादशाह का बेडरूम का पीछे का हिस्सा है এটা হচ্ছে আগ্রা আকবরের বেডরুমের পিছনের হিসা এখানে প্রচণ্ড সিকিউরিটি থাকতো এটা হচ্ছে ওনার বেডরুম প্রচণ্ড এতটা সিকিউরিটি থাকতো এখানে ভর্তি সিকিউরিটি থাকতো এখানে আর এই জায়গাটা হচ্ছে সিকিউরিটিদের অফিস ছিল মানে তখনকার সময় আর কি এটা সিকিউরিটিদের সব এখানে স্টে করতো সবাই এটা হচ্ছে ওনার বেডরুমটা এটা আকবরের পিছনের সাইডটা এটা इसका रास्ता जो था ना वो अंदर गर्म महल में से था अच्छा। लेकिन देखिए बाहर से भी बंद कर दिया और सीढ़ी भी तोड़ दिया है अंदर जो था बहुत बड़ा बाटा बना हुआ था जोधा के लिए अच्छा। जहाँ पर हल्दी तुलसी चंदन और केसर के लिए सिला अच्छा जोधा का वो कोशल वाला वॉशरूम है ये जो है पहला फोर्ट सीकरी कैसा लगा आप लोगों को ये बताइए अभी चलेंगे दूसरा बात दरगाह वाला पोर्शन जहाँ पर आपको शाही दरवाजा আমরা সিকড়িতে এবার ওখানে হচ্ছে পুলান দরবাজা যেটা এখানে পুলান দরবাজা আর যে সিকড়ি যে মসজিদ আছে যেটা বড় মানে সব থেকে নাম করা যে মসজিদটা তো সেখানটায় যাবো চলেন সেখানে এবারে আমরা দেখবো ওখানে আর কি ওগুলো আমরা সব এবার এখন ঘুরবো ঠিক আছে চলেন তাহলে আমার সাথে ঘুরতে আমার সব লোকজন চলে যাচ্ছে আগে আগে দৌড়ে দৌড়ে ম্যাগনেট ঠিক আছে এটা ফ্রিজ ম্যাগনেট এদের কা ইয়াদ গাড়ি একদম ভালো আচ্ছা আমি ঠিক আছে বেতের বানায় বেতের বেতের তৈরি এগুলো হ্যাঁ বেত দিয়ে বানায় হ্যাঁ হ্যাঁ
আমরা এখন যাব এখান থেকে চিস্তি দরগা। এখান থেকে ঢুকে যেটা আছে চিস্তি দরগা, এখান থেকে ঢুকবো সব। চিস্তি দরগার গেট এটা রোদের এত তেজ আমি নিজেও ঠিক ইয়ে করতে মানে ধরতে পারছি না। চিস্তি দরগার গেট এটা দেখে নেন, চিস্তি দরগার গেট এটা। এই যে আমাদের লোকজন সব যাচ্ছে এখনো, এখান থেকে গিয়ে উঠে এখান থেকে ঢুকবে। চিস্তি দরগার গেট, এখান থেকে সব ঢুকবে। এখানে সব জুতো টুতো রাখার জায়গা সব দেখেন, এখানে সব জুতো রেখে দিচ্ছে, রেখে দিয়ে এখান থেকে সব এন্ট্রেন্স করবে। এখন আমরা এখন চিস্তি দরগার দিকে ঢুকছি। বড় গেট শুধু দেখেন, গেটটা কত বড় গেট এখানে। ও মাই গড, এত বড় গেট চিস্তি দরগা। এন্টার করছি আমরা এখন। সবাই এদিকে চলো, এদিকে আসো। তো আপনি আপ লোক আয়ে ফতেপুর সিকরি ফতেপুর সিকরি আপনি আপ লোক দেখকর আয়ে বাদশাহ আকবর কে আনে সে পেলে ইয়াহ পে এক মাউন্টেন এরিয়া থা, কোই কিলা বগেরা নেই থা, পাহাড়ি ইলাকা থা, মাউন্টেন এরিয়া। বাদশাহ আকবর কে আনে সে পেলে ইয়াহ পে আয়ে বাবর। বাবর আর রানা সংগ্রাম কে বিচ মে যুদ্ধ হুয়া থা 1527 মে, ও খান্ডওয়ে কে ময়দান মে হুয়া, ইয়াহ সে 12 কিলোমিটার আগে। তো দাদা ও যুদ্ধ কো জিতনে কে বাদ মে জগা কো পেলে বোলা যাতা থা পাহাড়ি ফতেহাবাদ, আরাউলি পাহাড় ভি বোলা যাতা ইসকো, আরাউলি পাহাড়, ইস জগা কো উস টাইম আরাউলি, হ্যাঁ আরাউলি পাহাড় শুনে জি, ওড়ে জি আরাউলি পাহাড়। বাদশাহ আকবর কে আনে সে পেলে বাবর আয়া, এই চল। বাবর আর রানা সংগ্রাম কে বিচ মে যুদ্ধ হুয়া থা, উসকো ফক্ত জিতনে কে বাদ মে ফতেহ করনে কে বাদ মে ইস জগা কো নাম দিয়া ফতেহপুর। ফতেহ মানে ভিক্টরি, পুর মানে পুরানা গাঁও। সিকরি পেলে সে মৌজুদ থা যা সিকরবার লোক রহতে থে, দোনোঁ কো কম্বাইন মে বুলা কে ফতেহপুর সিকরি। বাদশাহ আকবর কো কোই ঔলাদ নেই থা, কোই সন্তান নেই থা। 45 ইয়ার্স কি উমর মে এজ মে উসকো কোই ঔলাদ নেই থা। বাদশাহ আকবর কি তিন রানিয়া থি, হিন্দু মুসলিম ক্রিশ্চিয়ান, তিনো ওয়াইফ সে কোই ঔলাদ নেই থা। হামারি ধর্মগুরু কি দরগাহ সবসে বড়ি দরগাহ আজমের শরীফ মে হো, ইনকে গ্র্যান্ড ফাদার হ্যাঁ জিনকা নাম হ্যাঁ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये वाइट मार्बल की दरगाह है। बादशाह अकबर के धर्मगुरु की दरगाह है जिनका नाम है सलीम चिश्ती। यहाँ मन्नत के सूते बांधे जाते हैं, कपड़े का चादर चढ़ाया जाता है, 101% लोगों का मनोकामना पूरा होता है। आज भी लोग यहाँ आते हैं, 90% लोग बाबा के पास आते हैं, बाकी लोग घूमने आते हैं 10%। तो बादशाह अकबर को कोई औलाद नहीं था। बादशाह अकबर पहले गए अजमेर, अजमेर में जाने के बाद में वहाँ रुका, रात में स्टे किया। उसको सपना हुआ कि आप जाइए फतेहपुर सीकरी, वहाँ पीर बाबा रहते हैं जिनका नाम है सलीम चिश्ती, उनके आशीर्वाद से तुम्हें औलाद मिलेगा। बादशाह अकबर नंगे पाँव नंगे सर चलकर बाय वॉक 7 times आया यहाँ पर, 7 times नंगे पाँव नंगे सर चलकर आया। लास्ट में 7वीं बार बाबा के कदमों में गिर गया और रोने लगा, बोला मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे औलाद कहीं से भी नहीं मिल रहा है, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, आप ही की तरफ आना है मुझे। तो उसने 7वीं बार जब पैरों में गिरा, बाबा का एक बेटा था जिसका नाम था बाले मियाँ। 6 महीने की उम्र में, कोई बच्चा बोलता नहीं है, बाबा का एक बेटा था 6 महीने की उम्र में जो कि बोला। उसने भगवान से प्रे किया कि आप बादशाह अकबर के लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बलिदान ले लीजिए। बाबा ने बोला तुझे बलिदान देना पड़ेगा तब तुझे औलाद मिलेगा। तो उस बच्चे ने बोला मैं मेरा बलिदान ले लीजिए, बाबा को बादशाह अकबर को औलाद दे दीजिए। तो वो बच्चा पर्दा फरमाया गया, एक्सपायर हो गया, और बाबा की दुआ से अकबर बादशाह को औलाद मिल गया। जब औलाद मिला तो बाबा ने एक शर्त रखा कि तुझे मेरे नाम के ऊपर नाम रखना पड़ेगा, फर्स्ट नेम शेखू, जब बच्चा छोटा होता है प्यार में शेखू, जब बड़ा हुआ शहजादा सलीम, जब राजगद्दी पे बैठा जहांगीर यानी कि जहां का बादशाह,
ये लाल किला इसलिए बनवाया क्योंकि बादशाह अकबर को यहाँ से मिला था लाल, यानी कि बेटा औलाद, औलाद की खुशी में सारा किला बनवाया। व्हाइट मार्बल की दरगाह है, पहले वो भी लाल पत्थर का था। जब जहांगीर बड़ा हुआ, राजगद्दी पे बैठा, उसे मालूम हुआ मैं इनके आशीर्वाद से पैदा हुआ हूँ, तो उसने उसको व्हाइट मार्बल में तब्दील करा दिया संगमरमर में। अच्छा। वो सामने जो है जामा मस्जिद, अभी सर पूछ रहे थे ना आप जामा मस्जिद, वो जामा मस्जिद है। बादशाह अकबर हर फ्राइडे के दिन जो भी जिस गेट से हम लोग आए, रॉयल गेट से, उसी गेट से आने के बाद में जामा मस्जिद में नमाज प्रे करता था। और पेड़ लग रहा है ना, पेड़ के नीचे टैंक है, वाटर टैंक, उसको बोलते हैं वजू खाना। बादशाह अकबर के टाइम में वहाँ भरा जाता था गुलाब जल, रोज़ वाटर, रोज़ वाटर से हैंड वगैरह वॉश करने के बाद में पहले नमाज पढ़ता, फिर बाबा का आशीर्वाद लेने आता। ये 84 रूम्स हैं, ये सामने देखिए पीछे, ये 84 कमरे हैं, 84 रूम, 84 कमरे। बादशाह अकबर के टाइम में यहाँ स्कूल चलता था, आज भी स्कूल चलता है बाबा के पीछे बैक साइड में। पहले 84 रूम से सारे स्कूल से भरकर चलते थे, हिंदी, उर्दू और अरबी की भाषा सिखाई जाती थी उस टाइम को। यहाँ दो टीचर थे जिनका नाम था अबुल फजल, दोनों टीचर थे, उन्होंने एक किताब लिखा, आपको मालूम हो आईने अकबरी, वो उन्हीं ने लिखा था। तो अभी हम लोग चलेंगे बुलंद दरवाजा, बुलंद अबुल फजल अकबर आईने अकबरी, हाँ ये दोनों ने लिखा था अबुल फजल ने, दो टीचर थे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं बुलंद दरवाजा। जी बोलिए। चिश्ती तो दोनों ही थे, वो भी चिश्ती हैं ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन, वो अजमेर में 350 किलोमीटर है यहाँ से, नंगे पांव नंगे सर चल के आया अजमेर से बादशाह अकबर यहाँ पे, उसको औलाद नहीं मिला कहीं से भी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? ये सलीम चिश्ती हैं, इसके इसके पास दो ग्रैंड फादर हैं, इसके ग्रैंड फादर मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके पास पहले गया वो बादशाह अकबर, वहाँ से उसको खाली लौटा दिया कि तुम्हें औलाद यहाँ से नहीं मिलेगा, तुम जाओ फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी आया नंगे पाँव नंगे सर, 7 टाइम आया, लास्ट में जब उसको कदमों में गिर गया, बाबा के पैरों में गिर गया, दुआ करने की रोकर गिड़गिड़ाने लगा, तब उसको औलाद मिला। आज भी 101% लोगों का मनोकामना पूरा होता है यार, कोई भंडारा नहीं है, रसीद नहीं है, देख नहीं है, यहाँ पे सिर्फ धागे बांधे जाते हैं और चादर चढ़ाया जाता है, वो कपड़े का चादर होता है ना, उसी का दान होता है, वो गरीब लोगों में बांट दिया जाता है। चलिए এটা আমরা এসেছি সেলিম চিস্তির দরগা, তো সেলিম চিস্তির দরগাটা আপনাদের দেখাবো। সেলিম চিস্তির দরগা, এখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে কি পুলান দরওয়াজা, তো এরপরে আপনাদেরকে আমি নিয়ে যাবো পুলান দরওয়াজা দেখতে। চলেন পুলান দরওয়াজাটা গিয়ে আমরা দেখি। এখানে সেলিম চিস্তির দরগায় আছি এখন, এই যে সাদা কালারের যেটা দেখছো এটা হচ্ছে সেলিম চিস্তির দরগা, পেছনে যেটা আছে এটাই হচ্ছে আমাদের সেলিম চিস্তির দরগা। তো এখানে দেখেন কত সুন্দর হচ্ছে, এখানে ঢুকতে গেলে প্রথমে আপনাকে ডান পাটা এরকম ডান পাটা আপনাকে রাখতে হবে, ডান পাটা আগে রেখে তারপর এখান থেকে আমাদের ঢুকতে হবে, সোজা এখান থেকে এন্ট্রি করতে হবে, মেন গেটে এখান থেকে এন্ট্রি করে ভেতর দিকে আসতে হবে। এসে আপনাদের এখানটা দেখছেন যে গেটটা আছে, এই গেটটা থেকে আমাদের সব আমরা ঢুকে যাবো, এখান থেকে এই গেট থেকে সোজা এসে এখানটায় চাদর চড়াবে, সব এই জায়গাটা করে আমাদের লোকজন আছে, আমলোক আদমি আছে, আমলোক আছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে ফটো সেভাবে তুলতে দিচ্ছে না তাই বন্ধ করে দিচ্ছি। সব ধাগা বাঁধছে, এখন ধাগা বাঁধা চলছে এখানে, এটা হচ্ছে ফুলান দরওয়াজার এন্ট্রি। দেখেন ফুলান দরওয়াজার এটা ভেতরে, ফুলান দরওয়াজার এটা হচ্ছে এন্ট্রি, এন্ট্রি সাইড এটা, এটা ভেতর দিকটা। এবারে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাবো বাইরের দিকটা, বাইরের দিক দিয়ে দেখবেন দরওয়াজাটা কত বড়, মানে দরজার গেটটা কত বড়, যার জন্য একে বলা হয় ফুলান দরওয়াজা। এটা ভেতর সাইডটা, এরপরে আপনারা বাইরের সাইডটা দেখবেন আরও কত বড়। ও এইটা হচ্ছে ফুলান দরওয়াজার বাইরের সাইডটা, কত বড়, মানে দরজার গেটটা এখান থেকে এন্ট্রিটা দেখেন এত বড়, এই জন্য একে বলা হয় ফুলান দরওয়াজা। সব আরবি ভাষায় লেখা রয়েছে দরজার গায়ে,
দেখেন আপনারা এখানে দরজার গায়ে সব আরবি ভাষায় লেখা রয়েছে। ताजमहल देखा आप लोगों ने? ताजमहल में ताजमहल जाएंगे, ताजमहल में जाएंगे तो ब्लैक स्टोन से लिखा हुआ है। जो नाइन गेट देख रहे हैं आप लोग, बादशाह अकबर ने वेलकम के लिए बनाया उसका, नाइन मिनिस्टर से उनके गेस्ट लोग आते थे उनके वेलकम के लिए। इधर देखिए, अभी इधर देखिए सामने लास्ट में नजर आ रहा है आप लोगों को, वो किले का बाउंड्री है। वो बाउंड्री के 10 किलोमीटर के अंदर में पूरा किला बन रहा है। इस बाउंड्री के अंदर में 9 गेट है। इस गेट से अभी आप लोग एंट्रेंस दिए, उस गेट को बोलते हैं आगरा गेट। बाकी 8 गेट आम पब्लिक के लिए, 1 गेट बादशाह अकबर ने अपने लिए बन रहा है। ये न्यू सिटी फतेहपुर, ये बादशाह अकबर के जाने के बाद में यहाँ से ये देख रहे हैं आप लोग, ये 52 स्टेप्स हैं, 52 सीढ़ियाँ। बादशाह अकबर चाहता 53-54 तखन बनवाता, उसने 52 इसलिए बनवाया कि साल के अंदर 52 वीक होते हैं 52 हफ्ते, इसलिए 52 सीढ़ियाँ बनवाया। इसके बैक साइड में देखेंगे आप एक भंडारा बना हुआ है, लंगर खाना, उसको भंडारा भी बोलते हैं हिंदू भाषा में। तो भंडारा है, बादशाह अकबर हर फ्राइडे के दिन यहाँ आने के बाद गरीब लोगों को खाना खिलाता था। ये सामने देख रहे हैं वहाँ सैनिक लोग बैठते थे और निगरानी रखने के लिए चौकीदार। तो आप यहाँ खड़े हो जाइए, मैं आपके फोटो निकाल दूँगा। बुलंद दरवाजा, और এটা হচ্ছে এখান থেকে আকবর এখান থেকে সবাইকে এখান থেকে দান করত, মানে ভান্ডারা দেয় যেরকম, মানে ভান্ডারা দিত এখানে প্রত্যেক শুক্রবার করে, যত গরিব লোক ছিল তাদেরকে এখানে জামা কাপড় খাওয়া দাওয়া সব এই জায়গাটা থেকে দেওয়া হতো। এটা হচ্ছে সেই জায়গা, বুলান দরওয়াজা। বুলান দরওয়াজার গায়ে হচ্ছে এই জায়গাটা, সেটা এখান থেকে ভান্ডারা দিত প্রত্যেক শুক্রবার করে। घोड़े का नाल अकबर के टाइम में कोई भी घोड़ा बीमार हो जाता था, रेसिंग घोड़े होते थे, कोई घोड़ा बीमार हो जाता बाबा की गुरु की दरगाह पे जाते, वहाँ पे फूल चादर पेश करते, उसके करने के बाद घोड़ा अगर ठीक हो जाता था तो यहाँ पे एक मार्केट से नया नाल लेकर लगा दिया जाता है। ये उसी टाइम का गेट है। हाँ, बुलंद दरवाजा है, घोड़ा घोड़ा जो नाल छिलो ना, नालेर गेट एटा। ঘোড়া শরীর খারাপ হলে তার জন্য এখানে যদি মানুষ করত, মানব কোয়াতে ঠিক হয়ে গেলে সেটা নতুন নাল কিনে এসে এখানে লাগিয়ে দিত। আনারকলির যে সুরঙ্গ আছে, पीछे के रास्ते से निकाल दिया पब्लिक और जहांगीर को, ये दिखाना था अब बादशाह अकबर को कि हमने इसको चुनवा दिया। उसको चुनवाने के बाद में, क्योंकि बादशाह अकबर नहीं चाहता था कि अनारकली और जहांगीर की शादी हो, क्योंकि अनारकली एक नौकरानी की बेटी थी, बादशाह अकबर नहीं चाहता था इन दोनों की शादी हो। अभी हम लोग चलेंगे अनारकली का सुरंग सीधे, अनारकली का सुरंग এখন আমরা যাবো হচ্ছে আনারকলির সুরঙ্গে, যেখান থেকে ওকে বের করে দিয়েছিল, আনারকলিকে যেখান থেকে বের করে দিয়েছিল, আমরা এখন সেই আনারকলির সুরঙ্গ, মানে সুরঙ্গের ওখানটায় যাব। তো চলেন ওখানটাকে দেখো, বুলান দরওয়াজা গেট এটা, এখান থেকে দেখেন কত পুরানো স্পষ্ট, কত সুন্দর লাগে। এখানে তো সমাধি সমাধি, শুধু শুধু চারিদিকে সমাধি, অন্ধকার পুরো এখানে। हवा महल, इसको हवा महल बोलते हैं। तीन कूलर बनवाया, 1, 2, 3 बादशाह अकबर की तीन रानियां थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तीनों के लिए बनवाया। तो कौन कर कूलर देखे ना, उन्होंने ये पत्थर का कूलर छी, जो रानी थी कूलर है, कूलर समाधि इधर है। नहीं नहीं नहीं, वो इधर कूलर किसी का अलग है। अनारकली का समाधि लाहौर में है, और जोधाबाई का सिकंदरा में है। तो कौन कर कूलर देखे ना, निकलते थे सब हवा आस्त, तो कौन कर कूलर है ना। আনারকলি এখান থেকেই গেছিল জাহাঙ্গীরের সাথে, জাহাঙ্গীরের সাথে আনারকলি সম্পর্ক ছিল। এটা হচ্ছে আনারকলির সুরঙ্গ, এটা দেখে নেন আনারকলির সুরঙ্গ।
সমাধি এখানে ভর্তি। সবাই তো জানে যে ওকে মেরে দিয়েছে, কিন্তু ওকে পেছনের ওই সুড়ঙ্গের ওখান থেকে সবাই দিয়ে ওকে ভাগিয়ে দিয়েছে। এখানে সব সমাধি, এগুলো দেখেন, এখানে সব ছোট ছোট সমাধি আছে, সব ছোট ছোট সমাধি আছে। সব ছোট ছোট সমাধি করা আছে। ছোটা গেট এসে বনবায়া ভাই রাত্রি ঘরানে কিছুকে আগে ঝুঁকতি নেই দেখলে বাদশাহ মানে ছোটা গেট বনবায়া কিন্তু বাবা কে গুরু কি দরগাহ পে ঝুঁকর যায় জো ভি যা ঝুঁকর হি যা হাজ সবই ফিমেল সমাধি লেডিজ লোক জামা মসজিদ জামা মসজিদ দেখো জামা মসজিদ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে জামা মসজিদ আমিও খেতে পারিনি ও তো হ্যাং করবে লেডিজ লোক নামাজ পড়তে থে ইয়াহ পে লেডিজ লোক হতে লেডিজ লোক পর্দে মে নামাজ পড়তে থে তো মসজিদ মে অলাউড নী দেখিয়ে গেট হ্যাঁ সিক্স গেট দেখনে মে ছোটা বড়া হ্যাঁ লেকিন ছোটা বড়া সেম সাইজ কাজ তো উধর ছোটা বড়া হ্যাঁ দেখতে কিন্তু ছোট বড় লাগছে দেখতে এগুলো ছোট বড় লাগছে কিন্তু গেট গুলো পুরো সেম আছে গেটগুলো পুরো সেম তো ফার্স্ট মে দেখেঙ্গে চার্চ স্টাইল উপর মে জো বনা হুয়া না চার্চ কে অন্দর বনা রহতা হ্যা 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 ও চার্চ স্টাইল সেকেন্ড মুসলিম স্টাইল থার্ড হিন্দু স্টাইল ও হিন্দু স্টাইল ফুল পত্তি বনা এই যে আচ্ছা ইয়ে বালা হিন্দু স্টাইল হ্যাঁ আর মুসলিম স্টাইল ও উপর মে ক্রিশ্চিয়ান স্টাইল ক্রিশ্চিয়ান স্টাইল আচ্ছা গোল বালা আর পিচ বালা মুসলিম স্টাইল আর ইয়ে বালা হিন্দু স্টাইল চলো বামা মসজিদ ফতেপুর সিকড়িতে সময় লাগে ফতেপুর সিকড়িতে ভালো সময় লাগে হর ফ্রাইডে কে দিন বাদশাহ আকবর ইস গেট সে এন্ট্রেন্স হতে থে সামনে যে বাদশাহ দরবার কা হম লোগ অভি এন্ট্রেন্স বুলন্দ দরবার রয়্যাল গেট কিং গেট ও লাস্ট গেট হম লোগ কা এন্ট্রেন্স হুয়ে থে না সাই দরবাজে তে ও সামনে জো হ্যায় এই গেটটা দিয়ে এসেছিল সব লুটে এই গেটটা থেকে আমরা এসেছিলাম এটা হচ্ছে সাধারণ লোকেদের জন্য আর বাদশার জন্য এই গেটটা বাদশা এই গেট থেকে আসতো এসে এখান থেকে সোজা এসে এই নামাজে এখানে নামাজ পড়তে আসতো বাবা মসজিদে এখানে নামাজ পড়তো জোক বাস
अब ये थोड़ा तो दीदी बाबा दरिया में देख पा रही है तो बोला हूं ना हां ऐसे ठीक है ये व्यापार है कने बाबा मेरा अपना चार्ज लेने का आपको दादा मालूम है आपका गेट पूरा सब देखते हैं মানে এক একটা গেট মানে ছোট ছোট দেখতে লাগে কিন্তু গেটের সাইজগুলো সব একই এখানে গেটের সাইজগুলো সবই আপনারা দেখবেন এখানে একই দেখতে হয়তো ছোট ছোট লাগছে মানে এখান থেকে হয়তো ছোট লাগে দেখতে কিন্তু না গেটের যে সাইজগুলো যেগুলো আছে সেগুলো সব এখানে প্রত্যেকটা গেটের সাইজ এখানে একই আছে প্রত্যেকটা গেটের সাইজ হ্যাঁ জুতোওয়ালা উধার ইয়ে না চলেঙ্গে না এই পর্দে ওয়ালা ডালিয়ে আচ্ছা ये पर्दे वाला डालिए हम बाहर से अंदर नहीं देख सकते अच्छा अंदर से बाहर देख सकते हैं बाहर देख सकते हैं अच्छा ये जो पाइप का जो लाइन जो था वो अंडरग्राउंड पाइप है प्लस पाइप का वो पिलर प्लस पाइप का काम करता है पाइप का काम करता है अंदर से खाली है खाली बरसात का जितना ही पानी आता है उसमें टैंक में जाता है टैंक में जाने के बाद में लास्ट में डायरेक्ट कुएं में जाता है अच्छा यहाँ पर कुआ है कुएं में चला जाता है चलो इसके बाद कहाँ पर जाएंगे हम जाएंगे फर्स्ट जोधा पैलेस जहाँ पर जाएंगे जहांगीर की पैदाइश हुई आदि बाबा के गुरु के जो लोग रहते हैं ना अच्छा 16वीं जनरेशन के वो वहीं पे रहते हैं वहीं पे रहते हैं आज भी कारीगरी होता है बड़े पत्थर को काट के स्टोन को काट कर यहाँ पे पत्थर के हाथी के अंदर हाथी पशुओं के अंदर कछुआ चीजें बनाते हैं आज भी यहाँ पर वो कारीगर मिल जाता है कारीगर नकाशी बोलते हैं उसको अच्छा ये लाल पत्थर का होता है ना अभी वो भी दिखाएंगे आपको जोधा पैलेस दिखे जाच्छे हमने अखन जोधा पैलेस आइए सब लोग आ जाओ देख ये नजर आ रहे हैं आपको घर से इनको बोलते हैं पिजन हाउस बादशाह अकबर के टाइम का पोस्ट ऑफिस एक किले से दूसरे किले पैगाम पहुंचाने के लिए कबूतर का यूज होता था मोबाइल टेलीग्राम नहीं होता था उस टाइम से जानिए सामने देख रहे हैं ओल्ड विलेज सीकरी लास्ट में जो नजर आ रहा है ओल्ड विलेज फतेहपुर छोटा फूटा फूटा वाला नहीं नहीं लास्ट में जो बस्ती का जो बना हाँ बस्ती वाला हाँ लास्ट में उसको बोलते हैं ओल्ड विलेज सीकरी तो बूटा बिल्डिंग नजर आ रहा है आपको हाँ। इसको बोलते हैं तत्काल बादशाह अकबर के टाइम में तत्काल बादशाह अकबर के टाइम में बैंक नहीं हुआ करते थे तो यहाँ पे सोने चांदी के सिक्के बनाए जाते थे पैसे मनी वो लास्ट में दिख रहा है आपको टावर वो टावर अकबर के हाथी का टावर है उसका नाम है हिरण मीनार बादशाह अकबर का एक हाथी था जिसका नाम था हिरण वो जजमेंट किया करता था खूनी हाथी भी बोलते हैं उसको वो खूनी लोगों को मार देता था निर्दोष लोगों को छोड़ देकर अपने टांग से दबकर जब वो मरा 20 फीट नीचे गड्ढा खोदने के बाद में उसका समाधि बनाया उस पर पिलर लगा दिया एलिफेंट के दांत लगा दिए इसलिए उसको बोलते हैं एलिफेंट टावर उसके अंदर में 7 राउंड है भाई बहन उसमें अंदर जा नहीं सकते उसको सतपेरा भी बोलते हैं अच्छा हाँ दो भाई बहन नहीं जा सकते हैंड पकड़ के क्योंकि उनकी शादी हो जाएगा हिंदू रीति रिवाज ओ अच्छा हाँ जी और जो देख रहे हैं आप ये अभी किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं अकबर बादशाह के टाइम में यहाँ मोती झील हुआ करता था जो कि अब सूख चुका है अच्छा मुर्शिदाबाद में है ना मोती झील नहीं ये भी मोती झील था पहले वो जो अभी दिखाया ना पत्थर का कूलर तो हवा अच्छा था उसमें ठंडा हवा इधर हवा चल रहा है जानते हो ये सामने रेड बिल्डिंग नजर आ रहा है आप लोगों को रेड बिल्डिंग वो बादशाह अकबर का फर्स्ट जोधा पैलेस किला बनने से पहले जोधा बाई को जो जहांगीर की पैदाइश हुई वो इसी किले में हुई थी जहांगीर की पैदाइश इसी किले में हुई बादशाह अकबर यहाँ पे 16 साल राज किया यहाँ पानी का कमी था इसलिए फिर आगरा चले गया आज भी गुरुजी के 16वीं जनरेशन के लोग यहाँ रहते हैं 16वीं पीढ़ी के लोग जिंदा हैं वो वहीं पे रहते हैं उनसे मिलना पॉसिबल नहीं है अगर मिलना होता है तो अंदर में ऑफिस बना हुआ है वहाँ परमिशन लेके तब मिलते हैं और अभी मैंने आपको बताया और ये देखिए ये उस टाइम पे सैनिक लोग यहाँ बैठा करते थे वो निगरानी करने के लिए ये राउंड में सीढ़िया बना हुआ है इसमें ओ, अच्छा। सैनिक लोग उस पर चढ़ के जाते थे ब्रिटिश टाइम से ये भी बंद हो चुका है अच्छा। और मैंने बताया आपको जाली का कारीगरी वो अभी दिखाएंगे अच्छा। हमारे सीकरी गांव में आज भी लोग बनाते हैं अच्छा। अगर आप बड़े शोरूम में जाओगे तो उसका प्राइस होगा ज़्यादा लेकिन यहाँ पे अपने हाथ से बनाते हैं अपने हाथ से सेल करते हैं अच्छा।
तो कम प्राइस में भी मिलता है और अच्छा भी होता है। क्या क्या उसके अंदर हाथी प्रेग्नेंट हाथी माय फैमिली वर्क आई एम स्टोन कटर एलिफेंट देव इनसाइड एलिफेंट थैंक यू मैम या ना ले, लेकिन कदर तो करना पड़ेगा ना आर्ट का कि जिनिस तो की हमें बोझा हो ना माने एटा होचे कच्चो पे भी तो कच्चो केटे बनानो किन पाथर केटे बनानो छे माने भाई छोटी बहन भाई हमारे सब मिलकर बनाते हैं पाथर केटे जिनिस गुला के बनाना ये क्या बॉक्स है ज्वेलरी बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स गुला माने ये पाथर ভাই সব পেলো কিন্তু পড়লেই ভেঙে যাবে ভেঙে গেছে তোমার সাইডে চিপ দিয়ে দেখো দিদি এলিফ্যান্ট 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 দিদি এলিফ্যান্ট 1 2 ট্রাঙ্ক নাইস কাজি করে इसको ভালো দেখে না कितना प्यारा वर्क है हां बहुत वन ट्रंक इनसाइड ट्रंक वन इनसाइड फर्स्ट इंस्टेंस स्टैंड अगर बात इंस्टेंस कैंडल हां हां स्टैंड लिपस्टिक स्टैंड मल्टी फंक्शन यूज कैन मल्टी फंक्शन ये क्या है हां वो कलर ब्लैक है ग्रे नाइट इज कॉल ये कलर अलग रख के हम लोग गांव से लेकर आप वो वाला एलिफेंट टावर उसी का कारीगर ये मेरे दादा ने बनाया 7 दिन लगा इसको बनाने नाइट लैंप उसी अंदर किया है किंतु नहीं जाते पारबो ना तो बेटा यहां से वायर लेगा वायर यहां बल्ब आएगा उसको ढकेगा सुंदर नाइट लैंप हो जाएगा दिए दो दिए दो दिए दो सब जितने बड़े से बोले दिए दो ना पूरे जावे पाए तो अभी टावर दिखा दीजिए मैं आपको हां वही वाला बड़ा वाला टावर ये है एलिफेंट टावर अच्छा ₹800 का एलिफेंट टावर की नकल यहाँ इंसेंस अच्छा ये कलर कैसे आता है जी ये कलर ये स्टोन अलग है ये हमारे यहाँ हम लोग राजस्थान से लाते हैं इसको अच्छा ये हमारे यहाँ का हाँ क्योंकि मेरे कोने में यहाँ पे बहुत कलर है वन पीस में नहीं है जॉइंट करके बनाया वो सी वाले ये राइट ग्रीन इसको ज्वाइन करके बनाया एक साइड में 12 पीस बनाया हमने लगा के टोटल इसमें 48 पीस चारों साइड आप इंसेंस लगाना है यहाँ कवर करेगा उसका जो स्मेल आएगा रूम फ्रेश हो जाएगा स्टोन की स्मेल मिट्टी फर्स्ट टाइम बारिश होती है ना वो ही मिट्टी का स्मेल है इसमें कैंडल लगाई माटी की पौधे पर अच्छा अवेलेबल है कोई चीज कहीं नहीं हल्ला के चलो बेटा एफपीसी आज का कितने का है बड़ा वाला हां ये मेरा दादा का है दुर्गम पुरी दुर्गम माता का ये तेरा आज के मतो नवा ब्लॉग तो এখানেই শেষ হলো এখানে যে ফতেপুর সিকরি যে যেটা আমি বানাছিলাম ব্লগটা তো এই ব্লগটা আজকে আমাদের এখানে শেষ হলো আর এই হচ্ছে আমার এটা ছোট পুচকু ভাই এদেরকে নিয়ে আমি ঘুরতে এসেছিলাম এদেরকে আমি তাজমহল ছাড়বো তাজমহল ছেড়ে আমি আবার বৃন্দাবন ফিরে যাব তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন সেলিম চিস্তির দরগায় এলে এসে এখানে ঘুরে যাবেন আর যদি এখানে আসতে চান আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই তো ভাই তোমার কেমন লাগলো ঘুরে বলো ভালো লাগলো ভালো লাগলো হ্যাঁ চলো টাটা করে দাও টাটা টাটা।